उत्तराखंड के विकासनगर जिले का रुख करवाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुनिए। भाई मीता सिंह चौहान जी, मीता सिंह जी हमारे इस जनपद के प्रभारी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, अभी परसों एक किसी कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आप खड़े थे तो कह रहे थे कि समझ में नहीं आता आप कहां कहां समन्वय करते हैं। आदरणीय विनय रोहिला जी, आदरणीय मठोर सिंह जी, आदरणीय मूरतराम शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारी बहन नीलू देवी जी, हमारे पूर्व मंत्री बहुत वरिष्ठ नेता नारायण सिंह राणा जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई नवीन ठाकुर जी, विनोद कश्यप जी, अमित डबराल जी, संजय गुप्ता जी, दिनेश तोमर जी, भीम सिंह चौहान जी, रितेश असवाल जी, अमर सिंह चौहान जी, श्री प्रताप सिंह रावत जी, श्री नरेश चौहान जी जिला मंत्री, मातल चौहान जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद सुयाल जी, श्री कमला जी एवं सभी सम्मानित मंचा सिंह, हमारे पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत आज प्रणाम करता हूं कि एक लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो काम आज यहां पर प्रारंभ हो गया। उसके लिए हमारे एमडीडीए के डीसी श्री बंशीधर तिवारी जी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देखने वाले जिन्होंने शुरुआत में इस क्षेत्र की महिमा के बारे में बहुत विस्तार से कम शब्दों में अपनी बात रखी, श्री रणवीर सिंह चौहान जी एवं सभी आए हुए हमारे अधिकारीगण और अनेकों ऐसे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं ये चर्चा एक कमेटी के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे भारत सिंह जी और उनकी पूरी टीम, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार काम, एक पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सनातन रूप से, सभी प्रकार से जिसकी महत्ता के बारे में हमारे सभी मंच पर बोलने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके बारे में अपनी बात रखी है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हरिपुर जमुना घाट, जिन सपनों को लंबे अरसे से सबके मन में था कि यहां पर बनना चाहिए, उसका आज शिलान्यास हो गया, आज विधिवत रूप से वो कार्य प्रारंभ हो गया है। अभी पिछली बार में जब नई दिल्ली में संसद भवन जो नई बनी है, उस संसद भवन को मैं देख रहा था तो उसके अंदर एक अखंड भारत के नक्शे में कहीं ना कहीं ये व्यास जी का शहर, यमुना जी का शहर, ये हरिपुर शहर, यह भी प्रमुखता से उस भारत के नक्शे में दिखाई दे रहा था। मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि कालसी यहां क्यों है, और जब मैं देहरादून लौटा तो मैंने हिमालयन गजेटियर मंगवाया, उसमें कालसी अध्याय को पढ़ा, इसलिए आपने देखा होगा मैंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भी जय घोष आपके सामने करी, और जब देखा तो चक्रवर्ती सम्राट का जो शिलालेख है कालसी अध्याय को पढ़ने पर उसमें देखा, इसका जिक्र चीनी यात्री भीमसांग ने भी किया है। उसी पाठ को पढ़ते पढ़ते और एक हमारे कुछ साथियों ने एक छोटी सी फिल्म भी बनाई है, शायद पता नहीं आप लोगों के पास नहीं पहुंची होगी, उस कालखंड में जैसा जब ये हरिपुर धाम
बहुत जो इसका विराट स्वरूप था, किस प्रकार से काल पल्लव हुआ, किस प्रकार से उस समय आपदा की भेंट चढ़ा था, उसमें बहुत विस्तार से उसमें दिखाया गया है। मैंने